51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांटे ज्वाइनिंग लेटर, कहा सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 5 जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का लिया फैसला। 3 सितंबर को अमित शाह चित्रकूट में दिखाएंगे हरी झंडी। असदुद्दीन ओवैसी ने नू शोभा यात्रा को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हिंसा हुई तो सरकार होगी जिम्मेदार। महाराष्ट्र में एनसीपी के बीच मचे घमासान पर अब शिवसेना ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। पार्टी के मुख्य पत्र सामना में एनसीपी चीफ शरद पवार और डिप्टी सीएम अजीत पवार पर बोला हमला, कहा चाचा की मेहनत पर डाला डाका। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्रपाणी महाराज की अजीबोगरीब मांग, कहा कोई और देश अपना हक जताए उससे पहले चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का लगातार था। श्रावण मास का अंतिम सोमवार और प्रदोष व्रत आज, परंपरा अनुसार शाम को नगरी में निकाली जाएगी महाकाल की सवारी। प्रदेश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर, इविल आई वाली राखियां ट्रेंड में। रक्षाबंधन को लेकर बहनों में खासा उत्साह, बाजारों में लगी है खरीदारों की भीड़। सूर्यनगरी को सीएम अशोक गहलोत की सौगात, सीएम गहलोत ने कहा मिशन 2030 को लेकर लोगों से मिल रहा अच्छा रिस्पांस अनुभव की नहीं होती होता कोई विकल्प। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस का मंथन, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई से लिया फीडबैक, कल भी जारी रहेगा बैठकों का दौर। जैसलमेर में बीजेपी राष्ट्रीय सचिव विजय राहटकर ने परिवर्तन यात्रा के संबंध में अधिकारियों के लिए बैठक, कार्यकर्ताओं को आम सभा की तैयारियों को लेकर सौंपे दायित्व। एसएमएस अस्पताल पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य के लिए जानकारी, डूडी की सर्जरी सफल, मुलाकात का दौर जारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामला, राउज रेवेन्यू कोर्ट में आज मामले की सुनवाई टली, 6 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। कोटा में लगातार हो रहे सुसाइड को लेकर प्रशासन गंभीर, 2 महीने तक किसी भी कोचिंग सेंटर में नहीं होगी परीक्षा, कलेक्टर ने जारी किए आदेश, संडे को अब होगा फंडे। जैसलमेर के 868वां स्थापना दिवस पर फोर्ट पैलेस में आयोजित हुआ कार्यक्रम, भाटी वंश की कुलदेवी मां स्वांगिया की पूजा अर्चना से हुआ आयोजन का आगाज, पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह ने फहराया जैसलमेर रियासत का ध्वज। आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार, धौलपुर जिले के मंदिरों में सुबह से लगा भक्तों का तांता, शहर के ऐतिहासिक कमलेश्वर महादेव में उमड़ा जन सैलाब। शाहपुरा के फूलिया कला में शिक्षक स्टाफ की कमी को लेकर विद्यार्थियों ने जड़ा स्कूल का ताला, विद्यालय के बाहर नारेबाजी कर किया प्रदर्शन, उच्च अधिकारियों को दी गई सूचना। करौली के ग्राम पंचायत रोड कला में आम रास्ते पर अतिक्रमण का मामला, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, अतिक्रमण हटाने और शमशान तक जाने वाले रास्ते को सुचारू करने की मांग। हनुमानगढ़ में पिस्तौल की नोक पर लूट, कार सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, पंप कर्मी से पिस्तौल की नोक पर छीने रुपए, नोहर के भादरा रोड के पेट्रोल पंप की घटना। झुंझुनू के हरनाथपुरा के जवान रणजीत गुर्जर का हुआ निधन, सिंघाना पुलिस थाने में पहुंची पार्थिव देह, श्रीनगर में रक्षा अधिकरण परिषद में थे तैनात, टावर से उतरते समय नीचे गिरने से हुआ था निधन। धौलपुर जिले के युवाओं का गौ सेवा प्रेम, गौ सेवा कर मानवता का धर्म निभा रहे युवा, जिले भर में करीब 200 युवाओं की टीम कर रही गौ माता की रक्षा।
राजसमंद में सावन माह के अंतिम सोमवार को नर्मदेश्वर महादेव मंदिर रामित्र मंडल द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। 1000 से भी ज्यादा महिलाओं ने कांवड़ यात्रा में भाग लिया। रामेश्वर महादेव ने भोलेनाथ का जल अभिषेक कर महाप्रसादी बांटी। सुजानगढ़ के प्रसिद्ध ठरड़ा शिवालय में भोलेनाथ किनारों से शिवालय हुए गुंजायमान। शिवलिंग का फूलों से विशेष श्रृंगार कर किया गया दुग्ध अभिषेक। अलवर के हनुमान मंदिर से भोलेनाथ का जल अभिषेक यात्रा हुई रवाना। भद्रहरि धाम से पवित्र जल लेकर नलहड़ मंदिर में भोलेनाथ का किया जल अभिषेक। सीकर के फतेहपुर में शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। कांवड़ियों ने किया जल अभिषेक। मंदिरों में गूंजे बोल बम के जय घोष। अलवर के थाना गाजी में विद्युत करंट से पैंथर की मौत। शिकार की तलाश में ट्रांसफार्मर पर चढ़ा पैंथर करंट की चपेट में आया किशोरी। रायपुरिया भाल गांव का मामला। चुरू के रतनगढ़ में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। बस स्टैंड के पास रेलवे की भूमि पर हो रहा था अवैध निर्माण। नगर पालिका टीम ने सामान जब्त कर रुकवाया निर्माण। बीजेपी पर्यवेक्षक सरदार भाई चौधरी ने किया भीनमाल विधानसभा क्षेत्र का दौरा। आमजन से फीडबैक लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बीजेपी की बनेगी सरकार। चुरू के सरदार शहर में रोडवेज प्रशासन की लापरवाही आई सामने। बस के गेट पर लटकते रहे यात्री। बीएसटीसी पेपर के चलते बसों में रही भीड़। पर्याप्त बसें नहीं होने से छात्रों और यात्रियों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत पतरोड़ा में पुलिस प्रशासन ने विद्यार्थी चौपाल का किया आयोजन। थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद ने विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित। आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने को लेकर किया जागरूक। भरतपुर के हीरादास बस स्टैंड पर बीएसटीसी के छात्रों ने बस में किया हंगामा। रोडवेज पर बसों की उचित व्यवस्था नहीं करवाने का लगाया आरोप। रोडवेज अधिकारियों ने उचित व्यवस्था करने की कही बात। धौलपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली सवार युवक को लगी गोली। परिजनों ने पुलिसकर्मी पर गोली मारने का लगाया आरोप। युवक को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर किया रेफर। छावनी गांव के पास की घटना। सिरोही के माउंट आबू में राजस्थान विजन 2030 अभियान के तहत कार्यशाला हुई आयोजित। विजन दस्तावेज 2030 की तैयारी करने पर लिया निर्णय। पालिका पार्षद और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने दिए सुझाव। बीजेपी का प्रदेशव्यापी आह्वान। सीकर में किसानों की चौपट फसलों को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। खराब हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग। सिरोही की शिवगंज में मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना को पंचायत समिति लगा रही पलीता। पंचायत समिति परिसर में बेची जा रही एसेसरीज। 30 रुपए की एसेसरीज की वसूली की जा रही है 100 रुपए में।